दारू पी के इधर उधर दिखाई देते हैं। मंदिर तो जा रहे हैं लोग, लेकिन पाप के भागीदार बन के जा रहे हैं। हमारे धर्मों में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है कि नारी की अगर आप जितनी ज़्यादा आदर सम्मान दोगे, उनको जितना ज़्यादा बढ़ावा दोगे, तो वो चीज़ है ना, एक धर्म का मतलब एक धर्म को, धर्म की जो प्राचीनता है उसको दिखाई। राजस्थान के माधोपुर के 26 वर्षीय निवासी सोनू ने आस्था और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए आज की युवा पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी है। सोनू हरिद्वार में हर की पौड़ी से कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा तक एकांत तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि ये श्रद्धालु अब तक लगभग 650 किलोमीटर की दूरी तय कर उधमपुर पहुंच चुके हैं। पवित्र तीर्थ स्थल पर जल चढ़ाने के लिए वो अपने साथ 16 लीटर पवित्र गंगा जल लेकर अमरनाथ की ओर बढ़ रहे हैं। ये रास्ता आसान नहीं था, वो रुके थके लेकिन हार नहीं मानी और हरिद्वार से पहुंच गए कश्मीर। अब अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ते हुए सोनू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज निकले हुए मुझे 24 दिन हो गए हैं और मैं हरिद्वार से, हर की पौड़ी से मैंने गंगा जल भरा हुआ था। देन उसके बाद में फिर वहाँ से निकल गया था गंगा जल लेने के बाद में कावड़ अपनी बना के, और अभी मैं बाबा अमरनाथ जी के लिए जा रहा हूँ वहाँ जल चढ़ाने के लिए। बाबा की जो, बाबा की जो पवित्र स्थान है, बाबा तो ध्यान में जा चुके हैं, तो उनके जो स्थान है वहीं पर मैं जल चढ़ाऊँगा। और मेरा इसको करने का एक ही मोटिव था कि जस्ट मैं एक सोसाइटी में भी ये चीज़ संदेश देना चाहता था जो आज के युवा है, जो गलत चीज़ की ओर जा रहे हैं, गलत जैसे ड्रग्स हो गए या फिर दारू हो गए या फिर हमारे धर्म मतलब धार्मिक जो लोग हैं, आजकल हो रहा है कि ब्राह्मण लोग भी बहुत सारे जो जनेहू डालने के बाद दारू पी के इधर उधर दिखाई देते हैं, तो मेरा उनके लिए भी मोटिव है। कुछ एक लोग की बात कर रहा हूँ मैं, सभी के ऊपर ये कमेंट नहीं उठा रहा, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे धर्म को उठाने के लिए सारे युवाओं का जितना ज़्यादा योगदान हो सके वो उतना दे, जितने ज़्यादा हमारे धार्मिक स्थान है वहाँ पर अगर तीर्थ यात्राएँ करें तो उसके लिए मैंने ये जल उठाया है। और दूसरी बात कि केदारनाथ जैसी चढ़ाई में जहाँ पर लोग सिर्फ जाने के लिए मात्र 16 से 18 किलोमीटर की चढ़ाई है, उसके लिए गौरीकुंड से वहाँ जाने के लिए लोग घोड़ों का सहारा लेते हैं, खच्चरों का सहारा लेते हैं, तो मुझे सिर्फ ऐसा उनको एक ही जवाब देना है कि जब इतनी सी उम्र में इतना कम वजन है, मेरा सिर्फ मात्र 56 केजी मेरा वजन है, वेट है, उसके साथ में मैं हरिद्वार से यहाँ तक 650 किलोमीटर में आ चुका हूँ, 650 से ज़्यादा ही हो गया होगा समथिंग, तो जब मैं इतना आ चुका हूँ और मैं तो बीमार भी रहता हूँ फिर भी मैं इतना कुछ कर सकता हूँ और वो भी 16 लीटर जल के साथ, गंगा माँ के साथ मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो क्या वो लोग सिर्फ 18 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल नहीं कर सकते? क्या इतना छोटा सा ट्रैक है वो पैदल नहीं जा सकते? क्यों जानवरों बेजुबानों की मतलब बलि चढ़ाना, उनको मतलब चोट पहुँचाना? कि मंदिर तो जा रहे हैं लोग लेकिन पाप के भागीदार बन के जा रहे हैं। तो बस मेरी यही आस्था है कि एक तो ये मैसेज जो मुझे देना है, और दूसरी बात मैं महादेव जी को अपने पिता के समान मानता हूँ। मैं ऐसा ना कि मेरा उनके बिना कोई वजूद नहीं है, मैं उनमें अपने माँ बाप सबको मैं उन्हीं में देखता हूँ। और दूसरी बात मेरे माता पिता जी की भी इच्छा है कि मैं उन्हीं की सेवा करता रहूँ हमेशा आगे चल के, तो बस यही है जी। और बाकी मैं अपने सनातन धर्म को प्रमोट करना है मेन चीज़, कि लोग है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग एक सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो लोग है ना अपने धर्मों को भूलते हुए जा रहे हैं। हमारे धर्मों में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है कि नारी की अगर आप जितनी ज़्यादा आदर सम्मान दोगे, उनको जितना ज़्यादा बढ़ावा दोगे, तो वो चीज़ है ना एक धर्म का मतलब एक धर्म को, धर्म की जो प्राचीनता है उसको दिखाएगी। जी पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, अमरनाथ जी में बहुत सारे, पहले तो वही लोग जा पाते हैं जिनको बाबा बर्फानी जी बुलावा भेजते हैं। दूसरी बात ये कि लोग सिर्फ 40 किलोमीटर की चढ़ाई में ही तकलीफें बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने ये किया वहाँ जाके, हमने इतनी कठिन चढ़ाई थी, हमने वो की, हमने क्या, एक होता है ना कि एक हमने अपने धर्म को ना गिनाते हैं लोग। जी प्रेम तो इतना ज़्यादा सम्मान मिला है ना मुझे, रास्ते भर में मुझे कोई तकलीफ ही नहीं आई, मैं पैदल चल रहा हूँ, हर 25 किलोमीटर के बाद मेरा रुकने का होता है। अभी आप लगा लो कि मैं होटलों में नहीं रुक रहा, ज़्यादातर लोगों के घरों में मैं स्टे कर रहा हूँ, तो लोग मुझे पनाह दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक धर्म का कार्य मैं कर रहा हूँ और वो लोग है ना इतना जुड़े हुए हैं मुझसे धर्म के कार्य के लिए कि आप विश्वास नहीं करोगे कि
कि आगे से आगे सम्मान करना, आदर करना, एक भाई की तरह, एक बेटी की तरह, और एक है ना, एक अपने हिंदू धर्म में कोई इंसान इतना बड़ा कार्य करने के लिए निकला है तो उसके लिए ना एक अपना जितना भी योगदान हो सकता है उतना ज़्यादा लोग योगदान दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्वागत हुआ मेरा जम्मू में, जम्मू के बाद में उधमपुर में भी हुआ, बीच में रास्तों में भी एक पंडित जी भी मिले थे हमें जिनका नाम पवन पुरोहित जी, पवन उनका नाम था, पवन जी, तो उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, अपने घर लेके गए, अपने बच्चे की तरह पाला, और फिर उसके बाद फिर वहाँ से हमें विदा किया एक ये सोच के कि हमारा बेटा हमारे घर से यात्रा लेकर आगे के लिए जा रहा है, रवाना हो रहा है।